लाहौर हाई कोर्ट ने प्लाज्मा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि प्लाज्मा खरीदने वालों से इन्फॉर्मेशन लेकर लोगों को पकड़ें। लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना मरीजों का प्लाज्मा फरोख्त के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। सेक्रेटरी सेहत ने मरीजों की जानिब से प्लाज्मा फरोख्त करने का एतराफ किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर दो जुमले बहुत मकबूल हैं, सरकारी अस्पताल में जान, प्राइवेट अस्पताल में माल नहीं बचता। सरकारी अफसर बयान हल्फी के साथ जवाब जमा कराएगा, सरकारी अफसर का झूठ साबित हो तो फौरी सजा मिलेगी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि एक कमरे का रात का किराया 60,000 रुपए है, जिस पर हेल्थ ऑफिसर ने अदालत को बताया कि आईसीयू के बेड का किराया सरकारी तौर पर 50,000 बनता है। इजाफी चार्जेस पर चार अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि फरवरी से कोरोना फैला, मार्च में लॉकडाउन हो गया, इतना वक्त गुजर गया लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि मरीजों का इलाज 20 रोज कबल प्राइवेट अस्पतालों में शुरू किया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम खान ने कहा कि मुझे मत बताएं, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूं, क्या आप लाहौर में बैठकर पंजाब को चला सकते हैं।